अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। एक और बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी, वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुका है और टीम के लिए तारीख का ये सबसे बड़ा धचका है। पूरा वर्ल्ड कप फीका पड़ने जा रहा है और इसके अलावा जनाब किंग बाबर आजम के लिए भी बड़ा धचका है। जनाब तख्त उलट चुका है बाबर आजम का। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान का कहना है कि आप तो शायद सुकून कर रहे होंगे लेकिन हमारी नींदें हराम हो चुकी थी, लेकिन क्यों जनाब। और इसके अलावा पहले रिटायरमेंट ली, उसके बाद फिर रिटायरमेंट वापस ली, फिर स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया और अब प्लेइंग 11 के अंदर भी जगह मिल गई है। किस्मत हो तो इस बंदे जैसी, तो क्या सीन है। आज हमारा टॉपिक यही होने जा रहा है। सबसे पहले यहां पर जनाब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। वो कोई और नहीं जनाब, माइकल ब्रेसवेल है, फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑलराउंडर है। और ये जनाब जब इंजर्ड हुई, आपको बताया इंग्लिश T20 ब्लास्ट के अंदर सारा IPL खेला, बल्कि एक दो मैच ही खिलाया गया हमें बेंच पे, उसने बेंच ही तोड़े वहां जाके, कोई परफॉर्म तो उसने किया नहीं है वहां पे। लेकिन बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। पहले केन विलियमसन से हाथ धोने पड़े न्यूजीलैंड को और अब माइकल ब्रेसवेल को। पूरी टीम का जनाब बेड़ा गर्क हो चुका है और समझे कभी इनका वर्ल्ड कप जो है वो फीका पड़ने जा रहे हैं। वैसे ही बेचारों को कोई फेवरेट कंसीडर करता नहीं है, लेकिन फेवरेट एंड में बन जाते हैं। लेकिन इस मरतबा बहुत बड़ा धचका है कि केन विलियमसन और माइकल ब्रेसवेल जो है वो वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है टीम न्यूजीलैंड के लिए। और इसके अलावा जनाब बाबर आजम की रैंकिंग डाउन हो चुकी है, चौथे से पांचवे पे चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा कर लिया जनाब। नंबर वन पे मानस लबुशेन, नंबर दो पे स्टीवन स्मिथ और नंबर तीन पे अब ट्रेविस हेड जो है वो आ चुके हैं। नंबर चार पे केन विलियमसन और नंबर पांच पे किंग बाबर आजम है। ये जनाब ICC टेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई है बाबर आजम की, एक दर्ज तनजल हुई है। ये धचका है किंग बाबर आजम के लिए, लेकिन श्रीलंका में जाकर परफॉर्म किया तो पोजिशन वापस ले सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब जिम्बाब्वे से हारे थे तो दो तीन दिन तो हमारे खिलाड़ी सोए भी नहीं थे, तो भाई वो आपके अपने कारनामे थे, आप जो जिम्बाब्वे से हारे हैं तो वो आपका मसला है कि आपकी नींद पूरी नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि टू बी ऑनेस्ट कि भाई हमें तो नींद भी नहीं है, हमारे खिलाड़ी सोए नहीं थे दो तीन रातें। तो ये जनाब मोहम्मद रिजवान ने मतलब जवाब दिया है कि जो मतलब सीन बना था। लेकिन जनाब मुईन अली के लिए गुड न्यूज ये है कि मुईन अली साहब जो है वो भाई इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा बन गया, प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गया। कल जो टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, एशिया सीरीज का पहला टेस्ट मैच होगा, तो मुईन अली की टेस्ट में वापसी हुई है। मुईन अली टेस्ट के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा जेम्स एंडरसन की एंट्री भी हो चुकी है, तो जनाब मुईन अली की मौज लगने जा रही है। पहले रिटायरमेंट ली, फिर वापस ली, टीम के अंदर आ गया, तो भाई मुईन अली बंदा कमाल है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बार। चैनल सब्सक्राइब